अनुदान के रूप में 3 महीने तक का बजट था, तो जून के महीने में अब बजट आने वाला है, तो उस बजट से पहले हमने उसकी शुरुआत की है। जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, जो उनके विचार में था कि सबके विचार लेकर, तो हमने समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, कोई व्यावसायिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी को हमने आमंत्रित किया। और उन सभी को आमंत्रित करने के बाद सबके विचार लिए हैं, और इसके आधार पर हमने प्री बजट एक संवाद अभी कायम किया था। उसमें 2 कार्यक्रम हमने यहाँ पर किए थे। एक कार्यक्रम हमने देहरादून में किया था, जिसमें गढ़वाल संभाग के सभी लोगों को आमंत्रित किया, और एक हमने कुमाऊं संभाग में कार्यक्रम किया। लगभग 8 से 9 समूह के लोगों को अलग अलग श्रृंखलाओं में, अलग अलग ग्रुप में हमने आमंत्रित करके सबके विचार लिए, जिससे कि हम उनको बजट में शामिल कर सकें, उनकी बातें उसमें रख सकें। जो समाज की क्रीम है, क्योंकि सबको बुलाया जाना संभव नहीं है, 1,25,00,000 लोगों के जो प्रतिनिधि के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, उन सभी को बुलाकर हमने उसमें बजट में उनके विचार लेकर नए बजट में उनको शामिल करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जैसे देश आगे बढ़ रहा है, उनके कालखंड के भी 8 साल पूरे हो गए, और इन 8 सालों में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज भारत की पहचान पूरे विश्व में एक अलग प्रकार से हो रही है। भले ही कोई, चूँकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये बहुत ही हमारा एक ऐसा एकेडमिक मंच है, लेकिन चूँकि मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज विदेशों में रहने वाले जो लोग इस विचार को भी नहीं मानते होंगे, मोदी जी को भी नहीं मानते होंगे, लेकिन उनको भी जो है बड़े सम्मान की अनुभूति होती है जब वो विदेशों में रहते हैं। वो कहते हैं कि हम भारतवर्ष के हैं। आज कोई क्षेत्र ले लीजिए, पहले के समय में जो हमारा वर्क कल्चर होता था, तमाम लोग जो है अलग प्रकार का एक वर्क कल्चर था। 2014 के बाद एक देश के अंदर नया वर्क कल्चर आया, और नई कार्य पद्धति, नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है। चाहे आज वो एकेडमिक क्षेत्र हो, चाहे सोशल क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, या समाज का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, एक कार्य संस्कृति इस प्रकार की आ गई है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक टिके नहीं रह पाएंगे। अच्छा परफेक्शन, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, कैसे अच्छा आउटपुट आएगा? तो हम सब लोग, क्योंकि जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, जो उनके दर्शन में था, जो उनके विचारों में था, जो उनके एक संकल्प में था, उसी को लेकर कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे शासन पहुंचे, कैसे सरकार पहुंचे, विकल्प रहित संकल्प जो हमने एक स्लोगन दिया है, विकल्प रहित संकल्प, कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है। अगर संकल्प में हमने विकल्प ले लिया तो हमारा संकल्प वहीं पर टूट गया, यानी कि जो हमारी मंजिल है वो हमसे रूठ गई, हमारे रास्ते हमसे भटक गए, और हमारा उद्देश्य भी हमसे ओझल हो गया। तो इसलिए डॉक्टर नित्यानंद जी के इस सोच संस्थान, उनके नाम से जो बना है अध्ययन केंद्र, उसके उद्घाटन के अवसर पर जो वो सोचते थे, जो उनके विचार में था, उत्तराखंड राज्य को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विश्व को एकात्म मानववाद का मंत्र देने वाले मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर डॉक्टर नित्यानंद जी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम और जुड़े समाज को जागृत करने का कार्य करते रहे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा था कि उस समय कांटों से कुटिल भरी हो यह जटिल जगत की डाली, इसमें ही तो जीवन के पल्लव की फूटी लाली, अपनी डाली के कांटे बेचते नहीं अपना तन, सोना सा उज्ज्वल बनने तपता नित प्राणों का धन। ऐसा प्रतीत होता था कि समाज के विकास और सामाजिक जन जागरण को अपना प्रथम ध्येय मानने वाले डॉक्टर नित्यानंद जी ने इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात किया, और हमेशा अपने जीवन को तिल तिल लगाकर इस समाज को और राष्ट्र को
एक प्रेरणा देने का उन्होंने जो काम किया वो नित्य निरंतर तक चलता रहेगा। 21 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आए विनाशकारी भूकंप ने डॉक्टर नित्यानंद जी को भीतर तक एक तरह से झकझोर दिया था, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने किया था, मनेरी में बहुत बड़ा प्रकल्प हमारा चलता है उसके, मैं कहूँ कि उसके जनक, उसके फाउंडेशन में कोई था तो डॉक्टर नित्यानंद जी थे। और जब ये भूकंप आया था तो उन्होंने एक क्षण की देरी किए हुए प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों के साथ जाकर राहत और बचाव का कार्य किया था। हमारे बीच में कई सज्जनों द्वारा उनके समय के जो काम हैं, इतने सारे नाम जो उन्होंने पहले मैंने भी लिए और नरेश जी ने भी लिए, वो सारे उस समय के साक्षी हैं। और भटवाड़ी मनेरी का तो उनका जो हमारा प्रकल्प है वो इसका जीवंत उदाहरण है कि उन्होंने अपने आप को कितना तपाकर, कितना अपने आप को लगाकर, तिल तिल लगाकर उन्होंने उसका आगे बढ़ाने का काम किया। और पृथक राज्य के पक्षकार होने के नाते उत्तराखंड राज्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्तराखंड के एक सच्चे हितैषी और उत्कृष्ट समाज शिल्पी के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने हमेशा उत्तराखंड में विशेषकर युवाओं और नौजवानों को, और जो हमारा जनजाति समाज है, जो चाहे हम जौनसार भाभर की बात करें, राजी हों, या हमारे भोटिया जाति के हों, बुक्सा हों, थाड़ू समाज के लोग हों, उन सब के लिए विशेष रूप से सोचा कि ये सब जातियों का भी उत्थान होना चाहिए, ये सब लोग भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया, वो युवाओं को संगठित करते हुए लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहते थे। भूगोल के क्षेत्र में उनका जो व्यवहारिक ज्ञान था वो हम सबके सामने है कि वो हमेशा कहते थे कि केवल पुस्तकें और शोध पत्र, इससे केवल हिमालय को नहीं समझा जा सकता है जब तक कि उसमें भ्रमण न किया जाए, व्यवहारिक रूप से न जाया जाए। तो ऐसे अनेकों कार्य उनके द्वारा किए गए। उनके द्वारा होली हिमालय जो पुस्तक लिखी गई उसके बारे में हम सभी जानते हैं कितनी उसकी प्रसिद्धि थी, कितना उसमें ज्ञान था, कितना तत्व था, सारी चीज़ें भली भांति जानते हैं। आज ऐसे अनेकों कार्य, अभी हमारे यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है, क्योंकि उनका जो हृदय था डॉक्टर नित्यानंद जी का, वो भी इस पहाड़ के अंदर बसता था, इस पहाड़ की सोच के साथ चलता था। तो आज उत्तराखंड के अंदर और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहाँ 5 नवंबर को घोषणा करी, उन्होंने वहाँ मंच से कहा। और इस बार जो यात्रा चल रही है, ये जो यात्रा पर्यटक सीजन जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा है पूरे में, स्थिति यह है कि आज चाहे हमारे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, या प्रदेश के अन्य स्थान हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, ऐसे अनेकों स्थान आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उन्होंने वहाँ कहा। और मैं सच बताऊँ तो इस समय हम लोगों के लिए यात्रा चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है कि कैसे हम व्यवस्थित करें, क्योंकि हमारा ये भी उद्देश्य है कि लोग आ रहे हैं तो लोग सुरक्षित आएँ, सुरक्षित वापस जाएँ, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था शुरू करी थी, और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में चूँकि शुरुआत में हमने सोचा कि जो दर्शन करने लोग आ रहे हैं, हमें इतना आभास ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी। कम से कम पिछले 2 साल पहले तक जो श्रद्धालुओं की संख्या होती थी उससे 5 गुना ज़्यादा, और पहले दिन जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, बाबा केदार के जिस दिन कपाट खुले थे, रात को 12-1 बजे ये स्थिति हो गई कि जो है वहाँ 15,000 लोगों की, 16,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था थी, और 22-23,000 लोग वहाँ बाबा केदार में पहुँच गए। अब बड़ा मुश्किल था जब वहाँ से बताया गया कि इतने लोग आ गए और -डिग्री तापमान वहाँ पर, तो किसी तरीके से पहले दिन की यात्रा को व्यवस्थित किया गया। करते 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 फिर हमने भी बीच में पिछले 10 दिनों से लगातार हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, पूरे देश भर के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप यात्रा में आइए, लेकिन यात्रा में आप तभी आइए जब 2 चीज़ें आपके पास हों। एक तो जो हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी है उस रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ से अलाउ कर दें, और दूसरा आपके स्वास्थ्य का परीक्षण ठीक प्रकार से हो गया हो।
अन्यथा आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार कुछ अखबारों में निकल जाता है, टेलीविजन पर निकल जाता है कि अभी यात्रा में आए हुए इतने लोगों की डेथ हो गई है, इतने लोग वो हो गए। एक भी किसी भी यात्रा में किसी का भी देहांत इस कारण से नहीं हुआ है कि कहीं पर यात्रा में अव्यवस्था हुई है। यात्रा में कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। तो आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं दून विश्वविद्यालय की, जहां पर इस वक्त सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र का लोकार्पण जो है वो सीएम के द्वारा किया गया। उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब लोकार्पण किया जा रहा था। तो न देखते हुए सीधे सोचते हैं कि जल्दी भगवान के दर्शन कर ले, तो इस नाते कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से, चूंकि बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जब बुद्धिजीवी लोग बैठे हों, विद्वत जन बैठे हों, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बोलना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि ये विषय ऐसा है कि मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अभी हर पल चुनौती होती है, और मैं चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि यात्रा अच्छी चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में भी इसका उल्लेख किया है कि सभी लोग, चूँकि वो यात्रा का एक नियम है, यात्रा के नियम के साथ यात्रा के आचार विहार भी हैं, उसके साथ साथ जो है साफ सफाई भी है, उन सभी पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सरकार की तरफ से जो भी अच्छी व्यवस्थाएं हो पा रही हैं, हम सभी उन व्यवस्थाओं को आगे कर रहे हैं और उन व्यवस्थाओं को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। और ये यात्रा केवल उत्तराखंड राज्य की यात्रा नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है तो इसका मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जाता है। आज अगर एक दिन जो है बीच में कुछ लोगों ने एक वीडियो डाल दिया और उस वीडियो में दिखाया कि बहुत भीड़ मची हुई है, भीड़ तो हो रही है लेकिन वो डाल दिया, भीड़ है तो कहाँ ले जाएंगे उसको, लोग आ रहे हैं तो कहाँ ले जाएं। लेकिन उसका ऐसा असर हुआ कि पूरे देश भर में ये हुआ कि यात्रा ठीक नहीं चल रही है, यात्रा ठीक नहीं चल रही है, जबकि यात्रा बिल्कुल सुव्यवस्थित चल रही है और 5-5 गुना ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा हर समय प्रयास है कि हर प्रकार से जो है यात्रियों को कोई परेशानी न हो, यात्री जो भी आए अच्छे से आए, अच्छे से वापस जाएँ। तो ऐसे अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए और इसके आगे के विस्तार में जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम उसको निश्चित रूप से पूरी तरह से विश्वविद्यालय के साथ रहेंगे। प्रोफेसर सुरेखा जी जैसा कहेंगी, और हमने कुछ संकल्प भी लिए थे चुनावों से पहले, हमने संकल्प लिए थे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में वो बातें होने लगी है कि जो कहते हैं वो करते हैं, यानी जो कहा वो किया और जो वायदा किया उसको भी निभाना है। तो उस क्रम में हमने उत्तराखंड राज्य में 12 फरवरी 2022 को एक संकल्प लिया था उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, जो देश के अंदर लंबे समय से मांग उठती रही कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में धारा 370 समाप्त हो गई और समान नागरिक संहिता भी देश के अंदर लागू होनी चाहिए। तो हमने कहा कि हम हिमालय के राज्य हैं, देवभूमि है, हमारे यहाँ हर परिवार से कोई ना कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कोई सेना में है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भांजा है, भतीजा है, चाचा है, कोई ना कोई सेना या अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य लगा हुआ है, तो हमारे राज्य के अंदर चाहे कोई किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो हमने जो संकल्प लिया था नई सरकार के गठन होते ही, हमने जो है इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू कर दिया। पहले दिन हमने पहली जो हमारी बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, उसमें हमने निर्णय किया कि हम इसमें एक कमेटी बनाएंगे, उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, और वो उच्च स्तरीय कमेटी हमारी बन गई है। प्रोफेसर हमारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक हमने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, और उसमें हमारी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी भी है, तो 5 लोगों ने। तो ये कमेटी हमारा सारा ड्राफ्ट तैयार करेगी, सभी जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से बात करेगी और बात करने के बाद ड्राफ्ट बनाएगी और उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करेगी। हमने जो है इस प्रकार का निर्णय लिया है और हम इसको काम को कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हम इसको लागू करने जा रहे हैं।
और हम देश के अन्य राज्यों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी अपने यहाँ लागू करें, और इसको लागू होने से बहुत सारे फायदे वो उसके अभी जो आएंगे, अभी कम से कम 20% जो कानूनी मामले चल रहे हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे ठीक प्रकार से, क्योंकि सभी के लिए एक समान कानून होगा और यहाँ पर कानून व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म अध्यात्म और संस्कृति का हमारा केंद्र है, पर्वतों से नदियों से और हमारे वनों से आच्छादित हमारा राज्य है, यहाँ पर शांति व्यवस्था भी कायम रहनी चाहिए, अनावश्यक रूप से विवाद नहीं होने चाहिए, इसको लेकर हमने निर्णय लिया था, इसको हम धरातल पर उतार रहे हैं। क्योंकि आप सब लोग हमारे समाज की क्रीम यहाँ बैठी हुई है, इसलिए मुझे लगा कि आप सबके सामने बताना चाहिए और ये बात रखनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और निर्देशन में साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार के द्वारा महिला वैज्ञानिकों को शोध एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मैं SERB के सचिव प्रोफेसर संदीप वर्मा जी एवं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी व उनकी टीम को बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, सराहना करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया है। आपने इस कार्य के लिए हमारे प्रदेश उत्तराखंड को एक प्रीमियर विश्वविद्यालय दून विश्वविद्यालय को चुना है अम्बेडकर चेयर के रूप में, अन्य रूपों में। तो आप सबका मैं अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी लगातार, क्योंकि आप लोगों के जो भी वहाँ से जो क्राइटेरिया होंगे उन क्राइटेरिया को हमारे राज्य में लागू किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के, हम हमारा नवोदित राज्य है, हमने ये संकल्प लिया है कि जब हमारा